हेलो हाय, कैसे हैं आप लोग। आपका फिर से एक बार स्वागत है प्रेम की कहानी प्रेम की जुबानी में। तो दोस्तों, आज आपको मैं जो किस्सा सुनाने जा रहा हूं, ये मेरा एक अपना किस्सा है और एक मेरे दोस्त मेरे बड़े भाई गोकुल जी का किस्सा है, गोकुल भाई का। अब आप सोचोगे ये गोकुल कौन है। गोकुल एक जूनियर राजेश खन्ना है जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त है, बड़े भाई के समान है। तो चलो किस्सा शुरू करता हूं मैं। चलिए, मैं जब 1982 में एक चौल में रहने गया, उस चौल का नाम था मुकुंद नगर। वो कहते हैं ना, आदमी को जब जो क्या बनना है तो ऊपर वाला उसको उस जगह ले जाता है। हुआ यूं कि मेरे पापा की कंपनी बंद हो गई, फिर हम एक चौल में रहने गए। अब मैं देखता हूं उस मुकुंद नगर में इतने सारे एक्टर थे, कोई जूनियर राजेश खन्ना, कोई जूनियर देवानंद, कोई जूनियर दादा कोंडके, कोई जूनियर अमिताभ बच्चन, कोई जूनियर मिथुन चक्रवर्ती, ये सब मैं पोस्टर देख रहा था। अरे मैं बोला ये क्या करते हैं, क्या है ये लोग। मैं उस टाइम शायद 14-15 साल का रहा होगा। फिर मैं गोली कारखाने में नौकरी करता था, वहां से जब मैं अपने घर पे लौटा तो देख रहा हूं एक रिकॉर्ड डांस पार्टी चल रही है। उन दिनों में रिकॉर्ड डांस पार्टी होती थी बहुत सारी उल्लासनगर में, लेकिन तीन फेमस रिकॉर्ड डांस पार्टी थी, जैसे त्रिमूर्ति, उसमें भी मैंने काम किया है, ब्लू डायमंड, और एक थी नीलकमल जिससे मेरी शुरुआत हुई, उसके ऑर्गेनाइजर थे राजन चक्रवर्ती। तो मैं जैसे पहुंचा तो मैं देख रहा हूं कि रिकॉर्ड डांस पार्टी चल रही है। मैं बैठ गया और देखने लगा कि हूबहू ये लोग ऐसी नकल कर रहे हैं। तो सबसे पहले आए जूनियर मिथुन चक्रवर्ती एक गाने पे, यार उन्होंने मुझे कब बुलाया, अरे वाह, मैं बोला क्या बात है। दूसरे आए जूनियर कमल हसन, हम बने तुम बने, बोला वाह। फिर आए जूनियर दादा कोंडके, अरे मैं बोला अरे वाह वाह वाह। फिर आए जब जूनियर राजेश खन्ना, यही मेरे दोस्त गोकुल भाई, ये आए जो उन्होंने राजेश खन्ना की एक्टिंग की, आया हूं कितने सपने कितने अरमा लाया हूं मैं। मैं बोला अरे वाह, सबसे अच्छा मुझे अगर लगा तो वो जूनियर राजेश खन्ना। उसके बाद एक गाना और किया, वो गाना कुछ ऐसा था, फिल्म धनवान से था शायद वो गाना, इधर आ आ आ भी जा आ जा यहां। मैं बोला भाई हो ना हो, ये तो एकदम सबसे अच्छा मुझे लगा तो वो जूनियर राजेश खन्ना। अब मैं दूसरे दिन फिर काम पे जा रहा था तो देखा हमारे मुकुंद नगर में एक होटल थी सेवक राम की, तो उस होटल में ये सारे जूनियर फिल्म स्टार बैठा करते थे। तो मैं उनको देखते खड़ा हो गया, मैं काम पे नहीं गया। अरे कल रात को मैंने इनको स्टेज पे देखा और आज ये यहां खड़े हैं सब बन ठन के। तो मैं बोला क्या बात है। अब मैं इनकी फील्डिंग करता रहा। 2 साल लग गए फील्डिंग करते करते। 1984 में मैं नीलकमल पार्टी से जुड़ा। अब मैंने देखा मुकुंद नगर में तो सारे एक्टर रहते थे, जो ये जूनियर राजेश खन्ना गोकुल है, तो गोकुल भाई हर्षवर्धन नगर में एक टेकड़ी पे इनका घर था और इनके भाई का घर था मुकुंद नगर में, तो ये अपने भाई के पास आते थे। तो मैं जैसे 1984 में मैं पहली बार स्टेज पे चढ़ा और लाला लोई का त्योहार था नीलकमल एंड पार्टी में, मैंने एक डांस किया, नैनों में सपना सपनों में सजनी सजनी पे दिल आ गया जितेंद्र का डांस किया और मुझे इतनी तालियां मिली। हाँ, डांसर थी नूरजा, वो थोड़ी मेरे से लंबी थी, उस टाइम मैं थोड़ा छोटा था तो मैं थोड़ा दूर दूर भागता था कि मैं उससे छोटा ना लगूं कहीं, लेकिन उसने मुझे बहुत अच्छा कोऑपरेट किया कि आप डरो मत बिंदास, ये वो सब स्टेप करने थे, उसने बताया पहला ये स्टेप करेंगे फिर ये, चलिए ठीक है। फिर मेरी दोस्ती हो गई क्योंकि वो जूनियर राजेश खन्ना गोकुल भाई इसके फिक्स आर्टिस्ट थे नीलकमल के। अब हम दोनों की इतनी दोस्ती हो गई कि मैं मुकुंद नगर से कभी कभी हर्षवर्धन नगर उनके यहाँ टेकड़ी पे मिलने जाता था, वो मुझसे मिलने आते थे। फिर हमारी इतनी दोस्ती हुई, सब बोलते थे बहुत अकड़ू है, लेकिन मुझे वो कहीं से अकड़ू नहीं लगा वो, और मेरे बड़े भाई की तरह मैंने मान लिया उनको और उनसे बहुत कुछ सीखा। फिर वो मुझे और भी दूसरी रिकॉर्ड डांस पार्टियों में ले जाने लग गए और मुझे बताते थे कि ये करना वो करना। हम गए 1984 मार्च का महीना था, राजस्थान के दौरे पे, राजस्थान का हमने दौरा किया। तो मैं गोकुल, नूरजा डांसर, राजन चक्रवर्ती जो जूनियर मिथुन चक्रवर्ती, एक किरण कुमार करके थे जो कमला हसन का डांस करते थे। तो राजस्थान में हुआ यूं, मुझे याद है 1984 की बात है,
मेरे ख्याल से गंदेड़ी, हाँ गंदेड़ी शहर था वो, मिटेड़ी गंदेड़ी डिडवाना ऐसा कुछ था, या डिडवाना होगा मेरे ख्याल से, अभी मुझे याद नहीं है। तो हम टेरेस पे है ना रेसल कर रहे थे, तो सामने टेरेस पे पता नहीं उनको क्या गलत फहमी हो गई, उन्होंने पुलिस भेज दी हमारे पास। तो हम रेसल कर रहे हैं, चार पांच पुलिस वाले आए, हमें लेके चले गए। अब मैं तो छोटा सा था, मैं बोला भाई क्यों लाए यहाँ पुलिस स्टेशन में? तो हमने पूछा भाई क्यों, और वो जो राजन चक्रवर्ती ये लोग अपने अपने गांव गए थे, हम तीन ही थे, मैं डांसर नूरजा और गोकुल राजेश खन्ना। तो बोला भाई हमें पुलिस चौकी में क्यों लाए? हमने पूछा तो बोला आपने टेरेस के ऊपर चढ़ के बदतमीजी की है, सामने से कंप्लेंट आई है कि आप कुछ लड़कियों को इशारा कर रहे थे। तो ये गोकुल भाई कहने लग गए, वो बड़े थे तो वो सब टैकल कर रहे थे, बोले हम किसी को इशारा नहीं कर रहे थे, मैं तो डांस कर रहा था। तो राजेश खन्ना का कुछ डांस ऐसा होता है ना, ये किया तो डांस में इशारे हो जाते हैं, तो उन लड़कियों को क्या लगा कि वो इशारा कर रहा है। तो उन्होंने बोला कैसे हम मान ले कि आप सच बोल रहे हो? बोले आइए आप तो हमको टेरेस से उठा के ले गए, अब देखिए वहां टेप रिकॉर्ड है, हमने सेल डाले हैं टेप रिकॉर्ड में। हम लोग पहले क्या सेल डालते थे, जहां तक लाइट नहीं होती थी और लाइट चली भी जाती थी, टेप रिकॉर्ड भी टेरेस पे पड़ी है और कैसेटे पड़ी है। फिर उन्होंने आके मुआयना किया, देखा, बोला हाँ, फिर भी बोला चलो सॉरी अगर उनको ऐसा लगता है, हम तो मुंबई से आए हैं भाई दो पैसा कमाने के लिए। तो हमने एक दौरा किया वहां पे राजस्थान का, वो यादें आज भी जुड़ी हुई है कि ये भी सब होता है। फिर हम वहां से आए और हमें शायद पेमेंट भी मिली या न मिली, मेरे ख्याल से तो नहीं मिली, क्योंकि पहले ऐसा होता था आर्टिस्टों को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता था, ट्रेन में धक्के खाने पड़ते थे। आज तो ऐसा हो गया है कि फ्लाइट की टिकट मिल जाती है, फ्लाइट में आदमी आता है जाता है, पेमेंट पहले या गूगल पे पे आ जाती है। पहले ये सब कहाँ था, गूगल पे ये वो, और कोई मनी ऑर्डर तो करेगा नहीं। और मैं आपको बताऊं, जब मैं स्टेज पे जाता था तो मेरी टांगे कांपती थी। तो ये मेरे भाई गोकुल भाई मुझे बोलते थे कि सामने वालों को है ना देख के, देखने का नहीं कि सामने पब्लिक बैठी है, देखने का मैं ही हूं बस और कोई नहीं है। तो उनसे ये बहुत कुछ सीखने को मिला। और मैं फिर संजय दत्त का डांस करना शुरू किया, 1986-87 में मेरी शक्ल थोड़ी वहां भी मिलने लग गई, संजू बाबा जैसी, अरे बोले तो। फिर जितेंद्र का डांस, जीतू जी का डांस, संजू बाबा का डांस शुरू करते करते फिर मैंने मिमिक्री शुरू की, और आज मैं जूनियर प्रेम चोपड़ा बनके, प्रेम चौधरी बनके, भाभी जी घर पर है मैं आके सबका दिल बहलाता हूं। और ये जो हमारे गोकुल भाई है, इनकी वाइफ आज एक अच्छी नगर सेविका है, अर्चना भाभी, और आज भी हम जब उल्लासनगर जाते हैं तो वही हमारी इज्जत करते हैं जो पहले करते थे। वहां से निकल के आज उन्होंने भी एक आशीर्वाद बंगला बनाया, जैसे राजेश खन्ना जी का आशीर्वाद बंगला है, बंगला था, वैसे अब उन्होंने भी एक बंगलो बनाया है, और उनका बंगलो भी आपको मैं दिखाऊंगा। और वो मुकुंद नगर जो है वो भी आप देखिए कि किस परिस्थितियों से गुजरते गुजरते जो सफर तय किया, आज हम इस मकाम पे हैं। बस इतनी सी थी प्रेम की कहानी, प्रेम की जुबानी। थैंक यू वेरी मच। आपको अगर ये मेरा प्रोग्राम पसंद आया हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कॉमेंट्स करें, शेयर करें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।